गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने दो मत तीन मत देख लिए थे, यानी कि लिक्विड स्टेट एज ए मोल्टन सॉलिड स्टेट, यानी जो लिक्विड स्टेट है वो गदित ठोस अवस्था है, और एक हमने पढ़ा था लिक्विड एज ए एक्सटेंशन ऑफ गैस, यानी जो लिक्विड्स हैं वो गैस का एक विस्तारित रूप है। इसके अलावा हमने बर्नेल और स्कोट का सिद्धांत देखा था। आज हम बात करेंगे आयरिंग थ्योरी की, या फिर कहें वैकेंसी थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, यानी द्रवों का रिक्ति सिद्धांत या फिर आयरिंग सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द्रव अवस्था में ठोसों की कंपेयर में अणुओं के बीच में अंतराल पाया जाता है। इस अंतराल को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, या फिर कहें मुक्त आयतन कहते हैं। जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उसका 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और 3% अंतरणिक दूरी बढ़ जाती है। ये जो 3% वॉल्यूम होता है, ये इस वॉल्यूम में अणु नहीं पाए जाते, ये अवकाश पाया जाता है, रिक्त अवकाश पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मुक्त आयतन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मुक्त आयतन है, ये लिक्विड्स ये आणविक आकार के होते हैं और ये क्या है, रैंडमली व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि पूरी लिक्विड पूरे द्रव के अंदर अव्यवस्थित रूप से फैले हुए रहते हैं। तो इस मुक्त आयतन के पास द्रव के जो भी अणु पाए जाते हैं वो अव्यवस्थित रूप से रहते हैं और उनका व्यवहार जो होता है वो गैस के अणुओं के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेस रहता है, वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, मुक्त आयतन के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से जो जो मुक्त आयतन के आसपास के अणु होंगे उनका व्यवहार कैसा होगा, गैस के अणुओं के जैसा होगा, वो अव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रहेंगे। और इस मुक्त आयतन के आसपास के जो अणु है जिनका व्यवहार गैस के अणुओं के जैसा, इसके अलावा जो अणु उपस्थित होंगे लिक्विड्स के, उनका व्यवहार क्या होगा, ठोसों के जैसा होगा। तो हम ये माने कि कोई भी पदार्थ है जिसका सॉलिड स्टेट में मोलर आयतन Vs है, ठोस अवस्था में मोलर आयतन Vs है, और माना कि उस पदार्थ का द्रव अवस्था में मोलर आयतन VL है, तो मुक्त आयतन के पास उपस्थित मुक्त आयतन कितना होगा VL माइनस VS। इन दोनों का जो आयतन में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, मुक्त आयतन कहलाता है। ठीक है, तो मुक्त आयतन के पास उपस्थित अणुओं का अंश जो किसकी तरह बिहेव करेगा, गैसीय अणुओं की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, VL माइनस VS अपॉन VL। ठीक है, यानी कि इनके वॉल्यूम का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लिक्विड अवस्था का, लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम। और शेष जो अणु होंगे उनका अंश क्या आएगा, शेष बचे हुए अणुओं का अंश जो ठोस अणु की तरह व्यवहार करेंगे उसका फ्रैक्शन आएगा Vs अपॉन Vs। ठीक है, यानी कि ये जो अणु होते हैं लिक्विड के जो मुक्त आयतन के पास उपस्थित होते हैं उनका व्यवहार गैस अणुओं का होता है, गैस अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं और अव्यवस्थित रूप से उपस्थित रहते हैं। और इनके अलावा ये जो अणु होते हैं मुक्त आयतन के पास उपस्थित अणुओं के अलावा जो अणु है उनका व्यवहार ठोस अणुओं के जैसा होता है, यानी वो व्यवस्थित रूप से उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यानी कि आयरिंग ने ये कहा कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी संरचना ठोस और गैस दोनों से मिलती जुलती होती है। जो मुक्त आयतन पूरे लिक्विड्स के अंदर मुक्त आयतन पाया जाता है, ये मुक्त आयतन जो होता है वो आण्विक आकार का होता है, और इस मुक्त आयतन के पास जो अणु उपस्थित रहेंगे वो तो अव्यवस्थित रूप से उपस्थित रहेंगे क्योंकि उनका व्यवहार गैसीय अणुओं को जैसा होगा, और इसके अलावा जो अणु उपस्थित होंगे लिक्विड्स के वो सॉलिड की तरह एक व्यवस्थित रूप से उपस्थित रहेंगे। तो जब भी हम लिक्विड स्टेट
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रांतिक ताप दाब पर लिक्विड्स जो होते हैं उनका घनत्व गैस के घनत्व के समान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरिंग ने यह बताया कि जैसे कि हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल जो होता है वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, तो लिक्विड्स में मुक्त आयतन का मान बढ़ता जाता है। तो क्रांतिक ताप दाब पर एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में मुक्त आयतन का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसीलिए क्रांतिक ताप दाब पर द्रव और जो वाष्प अवस्था है, जो गैस अवस्था है, उसका घनत्व क्या होता है, समान होता है। तो ये थी आयरिंग थ्योरी। यानी आयरिंग थ्योरी क्या है, एक वैकेंसी थ्योरी है। आयरिंग थ्योरी ये कहती है कि लिक्विड्स ठोसों की कंपेयर में लिक्विड्स में अंतरावकाश पाए जाते हैं। ये जो अंतरावकाश या रिक्ति है या फिर कहीं मुक्त आयतन है, इस मुक्त आयतन के पास जो अणु होंगे वो अव्यवस्थित रूप से उपस्थित रहेंगे और उनका व्यवहार गैस अणुओं के जैसा होगा। और इसके अलावा जो अणु उपस्थित होंगे उनका वो एक व्यवस्थित रूप में उपस्थित रहेंगे और उनका व्यवहार ठोसों के जैसा होगा। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। अब हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक स्टेट, ये क्या होती है? देखिए, लिक्विड क्रिस्टल यानी द्रव क्रिस्टल, देखिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको एक निश्चित ताप पर गर्म करेंगे तो वो पहले अपारदर्शी लिक्विड बनाएंगे, यानी अपारदर्शी आवीन द्रव में बदलेंगे, टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देन उनको फिर से एक निश्चित गर्म करेंगे तो एक निश्चित ताप पर वो एक पारदर्शी द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह इस प्रोसेस को अगर रिवर्स करें तो जो पारदर्शी द्रव है उसको अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो एक निश्चित ताप पर आवीन द्रव बनाएगा, यानी टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर उसको फिर और ठंडा करेंगे यानी और ताप कम करेंगे तो जो वो आवीन द्रव है यानी नॉन ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड है वो एक निश्चित ताप पर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। यानी मेरा मतलब ये होता है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको एक निश्चित ताप पर जब गर्म किया जाता है तो वो एक अपारदर्शी द्रव बनाते हैं, यानी टर्बिड लिक्विड बनाते हैं। टर्बिड लिक्विड जो क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, अपारदर्शी होता है। और जब इस आवीन द्रव को और ज्यादा गर्म करते हैं, यानी तो एक निश्चित ताप पर जिसे हम क्या कहते हैं, गलनांक, निश्चित ताप पर ये पारदर्शी यानी स्वच्छ द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो यही प्रोसेस अगर हम रिवर्स करें, यानी कि जो स्वच्छ जो प्योर लिक्विड है उसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो एक निश्चित बिंदु पर वो टर्बिड लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अपारदर्शी आवीन द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा ठंडा करेंगे तो एक निश्चित ताप पर क्या होगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक क्रिस्टल कहते हैं। तो इन्हें हम मेसोमॉर्फिक क्रिस्टल क्यों, मेसोमॉर्फिक स्टेट क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इनमें ठोस और लिक्विड दोनों ही अवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या करते हैं, मेसोमॉर्फिक स्टेट कहा जाता है। तो कुछ एग्जांपल है लिक्विड क्रिस्टल के, जैसे जैसे पैरा एजोक्सी, फिनेटोल, पैरा एजोक्सी, एनिसोल, इसी तरह से पैरा मेथोक्सी, सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक एसिड एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं ये जो लिक्विड क्रिस्टल है या मेसोमॉर्फिक स्टेट है वो क्या काम आते हैं, यानी इनके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ
लिक्विड क्रिस्टल। देखिए ये जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में काम में लिया जाता है, यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल काम आते हैं। इसके अलावा कई डिजिटल एपरेटस है, इसके अंदर भी हम लिक्विड क्रिस्टल काम में लेते हैं। कई औद्योगिक इकाइयां हैं जिसमें हम इसको लुब्रिकेंट के रूप में यानी स्नेक के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ होते हैं, इसमें ये जो एनिसोट्रोपी यानी विषम देशिकता के स्टडी करने के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स काम में लेते हैं, उस टेक्निक में एज ए सॉल्वेंट हम इसको काम में लेते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलाइन ठोस सब्सटेंस होते हैं उनमें विषम देशिकता के गुण का अध्ययन करने के लिए जो हम स्पेक्ट्रोमीटरी विधि काम में लेते हैं, उस विधि में लिक्विड क्रिस्टल को विलायक के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं उनको हम थर्मोग्राफी में काम में लेते हैं। थर्मोग्राफी में क्या किया जाता है, थर्मोग्राफी में शरीर का बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात करने के एक विधि है थर्मोग्राफी, जिसमें जो एक जो काम थर्मोग्राफी टेक्निक्स है उसमें भी हम इस लिक्विड क्रिस्टल को काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी कि थर्मोग्राफी टेक्निक जो होती है उसमें जो सूचक पट्टिका होती है वो लिक्विड क्रिस्टल की बनी हुई होती है। तो ये है लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन, यानी लिक्विड क्रिस्टल को हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। बाकी हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पढ़ेंगे, यानी कि कितने टाइप ये लिक्विड क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप्स होते हैं, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।